लगाओ पेड़ बचाओ, इस चीज के बारे में बचपन में हमने बहुत बार सुना होगा। हालांकि हमारी बढ़ती लाइफस्टाइल में, बिजी लाइफस्टाइल में हम इन चीजों को भूल चुके हैं। नमस्कार, बीसीएन न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। #SaveAjniwan ये बीते कुछ दिनों से नागपुर में काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया अगर आप काफी मात्रा में यूज करते हैं और अगर नागपुर के इन्फ्लुएंसर्स को आप ज्यादा फॉलो करते हैं तो उनकी स्टोरीज में या उनके पोस्ट में आपने इस #SaveAjniwan का जिक्र देखा ही होगा। लेकिन क्या है ये #SaveAjniwan, आइए जानते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में। नागपुर शहर में बीते कुछ दिनों से अजनी इंटरमॉडल स्टेशन की चर्चा जोरों शोरों पर चल रही है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रेल विकास निगम लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संयुक्त उपक्रम से बनाया जाने वाला है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन की सुविधा के साथ प्रतिदिन 3 लाख से अधिक यात्रियों की क्षमता को संभालने के लिए रेलवे पटरियों के पास उपलब्ध 44.4 एकड़ भारतीय रेलवे भूमि के भूमि अधिग्रहण के साथ अजनी में इंटरमॉडल स्टेशन का निर्माण करने का प्रस्ताव है। यह परियोजना लोगों के सर्वोत्तम हित में नागपुर शहर के विकास के लिए शुरू की गई है, क्योंकि वर्तमान में नागपुर सेंट्रल स्टेशन अत्यधिक भीड़भाड़ वाला है और इसमें विस्तार की सीमित गुंजाइश है। ये देश का पहला इंटरमॉडल स्टेशन है जो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के जरिए लॉन्ग डिस्टेंस बसेस, सिटी बसेस, रेलवे, मेट्रो, इनका डायरेक्ट लिंक होगा शहर के एयरपोर्ट को, जिससे ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा आसानी होगी। इस इंटरमॉडल स्टेशन में लॉन्ग डिस्टेंस बसेस की पार्किंग भी सुविधा उपलब्ध होगी, साथ ही निजी बसों के लिए डिपार्चर और अराइवल पॉइंट भी साबित होगा। सिटी बसें IMS पर रुकेगी। इस इंटरमॉडल रेलवे स्टेशन के आ जाने के बाद अजनी रेलवे स्टेशन को कहीं न कहीं प्रायोरिटी दी जाएगी। नागपुर मेट्रो के कांग्रेस नगर स्टेशन को फुट ओवर ब्रिज से IMS के जरिए जोड़ा जाएगा, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति जो एयरपोर्ट जाना है वो सीधे कांग्रेस नगर मेट्रो स्टेशन के जरिए एयरपोर्ट जा सकता है। IMS की मुख्य बिल्डिंग में 590 कारों की पार्किंग के लिए जगह होगी, जिससे कहीं न कहीं पार्किंग की समस्या नहीं होगी। वही ग्राउंड फ्लोर अराइवल्स के लिए रिजर्व किया गया है। रेलवे सुविधाओं में टिकट काउंटर, वॉशरूम, 1600 यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, पार्सल ऑफिस और 12 रिटेलर शॉप जैसे बाकी चीजें शामिल है। साथ ही इस अजनी स्टेशन में 4 एक्स्ट्रा रेलवे स्टेशन को भी जोड़ा जाएगा। इंटरमॉडल स्टेशन की वजह से नागपुर शहर को बहुत सारी डेवलपमेंट होगा, साथ ही यहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। साथ ही इस मॉडल स्टेशन की वजह से जितनी भी यातायात से जुड़ी समस्या है उसका निकारण कहीं ना कहीं होगा। हालांकि फिर भी जब इतनी सारी इससे बेनिफिट है, फिर भी इसका विरोध किया जा रहा है और वो भी बड़े पैमाने पर। आखिर क्या है इस विरोध की वजह, आइए जानते हैं। अजनी में प्रस्तावित इंटरमॉडल स्टेशन प्रोजेक्ट के लिए लगभग 7000 पेड़ों को काटे जाने का प्रस्ताव है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय ने स्पष्ट किया कि परियोजना पर्यावरण प्रभाव आकलन के अनुरूप है। प्रस्तुत परियोजना के अध्ययन के अनुसार लगभग 1940 पेड़ों को काटे जाने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्तावित है कि इन विभाग और वन विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार इनमें से अधिक संख्या में वृक्षारोपण या प्रतिरोपण किया जाएगा। NHAI के क्षेत्रीय कार्यालय ने यह भी बताया है कि NHAI द्वारा नागपुर और उसके आसपास राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की भूमि पर उपलब्ध रिक्त स्थानों पर 25,000 पेड़ों का प्रतिपूर्ण वनीकरण किया जाएगा। हालांकि फिर भी शहर के पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि पेड़ों का रिप्लांटेशन करना हमेशा सफल नहीं होता, कई बार ये विफल भी हो सकता है। उनका कहना है कि उन्हें इंटरमॉडल स्टेशन से कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। इस इंटरमॉडल स्टेशन के कारण अजनी के कई पेड़ों की बलि चढ़ने वाली है, जिसका खामियाजा भविष्य में हमें ही झेलना पड़ेगा, ऐसा उनका मानना है। इस इंटरमॉडल स्टेशन में बनाए जाने वाले शॉपिंग मॉल, एंटरटेनमेंट जोन से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो लोग ये चाहते हैं कि उसे इस जगह ना बनाते हुए किसी अन्य स्थान पर बनाया जाए। इसी के चलते शहर के कई एनवायरमेंटलिस्ट द्वारा #SaveAjniwan की मुहिम शुरू की गई है, जिसके चलते पूरे शहर में अजीवन में काटे जाने वाले लगभग 40,000 पेड़ों को काटने से रोका जाए। इस उद्देश्य से अवेयरनेस कैंपेन लिए जा रहे हैं, साथ ही शहर की नागरिकों के सिग्नेचर भी लिए जा रहे हैं। इस मुहिम के तहत अब तक कई लोग इससे जुड़े हैं। अजनी में पेड़ों की बलि ना चढ़ी, इस उद्देश्य से सेव अजनी वन से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा अजनी वन में हवन का आयोजन भी किया गया था।
एक तरफ जहां सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि इंटरमॉडल स्टेशन पूरी तरह से पर्यावरण पूरक है, तो वहीं शहर के पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि इस आईएमआर की वजह से पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होगा। अब इस मॉडर्न डेवलपमेंट वर्सेस ग्रीन डेवलपमेंट वाली जंग में जीत किसकी होगी, ये तो जल्द ही पता चलेगा। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का ये थर्ड लॉ हमने स्कूल में पढ़ा ही होगा और इस चीज को हमने कोरोना काल में फेस भी किया। जितना हमने एनवायरनमेंट को परेशान किया, उससे कई ज्यादा मात्रा में एनवायरनमेंट ने हमें परेशान किया। हालांकि अब भी अगर इस चीज को समझा नहीं गया, ढिलाई बढ़ती गई, तो अंजाम कितना भयावह हो सकता है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अब वक्त हो चला है मेरा आपसे विदा लेने का। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।